जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। आत्मीय बंधु, बहुत दिनों के बाद हम आप तक ये वीडियो लेकर आ रहे हैं और कभी हमने आपको ये नहीं कहा कि आप सब्सक्राइब करिए या बेल आइकन दबाइए, लेकिन आज कहना पड़ रहा है क्योंकि जितने लोग हमारे वीडियोस देखते हैं उनमें से सिर्फ 30% ने ही सब्सक्राइब किया है। आज हमारी इच्छा हुई कि आपसे चर्चा करें एक महत्वपूर्ण विषय पर, और वो विषय है स्मरण शक्ति, जिसे हम मेमोरी कहते हैं। विद्यार्थी हो, बच्चा हो, जवान हो, वृद्ध हो, सबके एक बड़ी समस्या रहती है कि स्मरण शक्ति किसी की अधिक है, किसी की कम है, क्या चमत्कार है, ईश्वर ने उसे अद्भुत शक्ति दी है, हम बड़े कम याद रख पाते हैं, पढ़ाइयों में भी नहीं हम ठीक से याद रख पाते हैं, इसका विज्ञान क्या है? क्या स्मरण शक्ति जन्मजात कोई वस्तु है, कोई शक्ति है जो किसी किसी को ही मिलती है और बाकी लोगों के दिमाग की ताकत उतनी नहीं होती है? क्या ऐसा है? हम कुछ उदाहरणों से इसे समझेंगे। एक बार अल्बर्ट आइंस्टीन, उनका एक नियम था कि रोज नियमित प्रातःकाल वो टहलने जाते थे, लौट के आते थे और वो अपनी छड़ी को कोने में रखते थे और सोफे पे थोड़ी देर के लिए विश्राम करने के लिए लेट जाते थे। एक दिन ऐसी घटना घटी कि वो टहलकर आए और आने के पश्चात छड़ी को सोफे पे लिटा दिया और खुद कोने में खड़े होकर चिंतन करने लगे। नौकर ने आकर कहा, सर आप कोने में क्यों खड़े हैं और आपकी छड़ी सोफे पे क्या कर रही है? उन्होंने कहा, नहीं मैं तो सोफे पे लेटा हुआ हूँ, मेरी छड़ी तो कोने में खड़ी है। उन्होंने कहा, नहीं आप कोने में खड़े हैं और छड़ी लेटी हुई है। आप कल्पना कर सकते हैं कि आइंस्टीन जैसे महान वैज्ञानिक इस विश्व के, उनकी भी स्मरण शक्ति ऐसी हो सकती है कि जिन्हें ख्याल ही ना हो कि छड़ी लेटी हुई है या वो लेटे हुए। ठीक ऐसी ही घटना एक न्यूटन के बारे में भी कहा जाता है कि नित्य प्रति जब वो टहलने जाते थे, लौट कर आते थे तो वो अंडे उबालते थे और अंडों को उबालते समय घड़ी देखते रहते थे कि कितने मिनट में अंडे उबलते हैं। एक दिन नौकर ने देखा कि घड़ी उबल रही है और अंडे हाथ में रखकर वो समय देख रहे हैं, टाइम देख रहे हैं। नौकर ने कहा, सर घड़ी उबल रही है, अंडे हाथ में है। उन्होंने कहा, नहीं नहीं अंडे उबल रहे हैं, मैं घड़ी में टाइम देख रहा हूं। जब ख्याल आया तो सचमुच घड़ी उबल रही थी और अंडे हाथ में थे। आप कल्पना कर सकते हैं कि न्यूटन जैसे महान वैज्ञानिक की स्मरण शक्ति और दिमागी क्षमता ऐसी कमजोर होगी। ऐसे ही महान वैज्ञानिकों के, बड़े बड़े दार्शनिकों के एक से एक उदाहरण भरे पड़े हैं भूलने की। अल्बेर कामू नाम के एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए, किसी शादी की पार्टी के लिए घर से निकले, ट्रेन पे चढ़े, वहां से बग्घी पे बैठे और जब बग्घी जाने लगी वो घोड़ा गाड़ी, तो घोड़े गाड़ी वाली ने पूछा कि वहां से आपको जाना कहाँ है? वो भूल गई कि हम किस लिए घर से चले थे और शादी पार्टी में मुझे जाना था, ये तो ख्याल ही नहीं रहा। बहुत देर तक याद करते रहे, याद नहीं आया तो फिर लौट के ट्रेन में बैठे, जब घर लौटने लगे रास्ते में याद आया कि मैं तो विवाह में जा रहा था। आप कल्पना करें, इतने बड़े ज्ञानी, महान दार्शनिक, बौद्धिक क्षमता के धनी व्यक्तियों की स्मरण शक्ति की भी ये हालत है। तो इससे तो ये लगता है कि बड़े से बड़े बनने वाले, बड़े दिमाग वाले की भी स्मरण शक्ति कमजोर हो सकती है। फिर हम और आप या साधारण विद्यार्थी कैसे दुखी हो जाते हैं कि उनकी स्मरण शक्ति कमजोर है? वास्तव में हर व्यक्ति की स्मरण शक्ति लगभग एक जैसी होती है, सिर्फ फर्क ये होता है कि यदि आप किसी व्यक्ति पे, किसी वस्तु पे, किसी कार्य पे, किसी गोल पे, लक्ष्य पे मन एकाग्रित करते हैं, उसमें मन लगाते हैं, चित्त लगाते हैं, रुचि रहती है वो याद रहता है और जिसमें रुचि नहीं रहती वो आप भूल जाते हैं। एक विद्यार्थी बहुत तेज है, क्लास में फर्स्ट डिवीजन आता है, लेकिन उससे पूछते हैं कि क्रिकेट का मैच कब हुआ, किसने कितना रन बनाया, कौन सी फिल्म रिलीज हुई है, राजनीति में क्या हो रहा है,
कहा का प्रधानमंत्री कौन अभी बना दूसरे देश का? वो कहता मुझे कुछ पता नहीं, याद नहीं रहता। तो क्लास की बातें तो, पढ़ने की बातें तो सारी याद रहती हैं, सिर्फ रुचि की बात है। एक विद्यार्थी कहता है कि मेरी स्मरण शक्ति कमजोर है, मैं याद नहीं रख पाता, मैं क्लास में थर्ड डिवीजन आता हूँ। लेकिन उससे पूछा जाए कि कब किस मैच में किस खिलाड़ी ने कितने रन बनाए, कब कौन सी फिल्म रिलीज हुई, म्यूजिक डायरेक्टर कौन है, उसका डायरेक्टर कौन है, राइटर कौन है, वो तुरंत बता देता है। आप इससे अंदाजा लगा लें कि स्मरण शक्ति की कमी नहीं है, सिर्फ रुचि की कमी है। यहां प्रश्न उठता है कि जब सभी लोगों की स्मरण शक्ति एक जैसी होती है, सिर्फ उन लोगों को छोड़ के जो मानसिक रूप से बीमार है अथवा शरीर में कोई कमी है, तो फिर हम अपनी मानसिक शक्तियों को, अपने स्मरण शक्ति को कैसे बढ़ा सकते हैं? एक जैसा होने के बाद भी पहली बात तो ये कि जिन कार्यों को करना है, जिसमें सफलता हासिल करनी है, उसमें रुचि पैदा करें। और दूसरी, कुछ ईश्वरीय शक्तियां होती है, कुछ आध्यात्मिक शक्तियां होती है, और कुछ केमिकल रिएक्शंस ब्रेन में होते हैं, मस्तिष्क में कुछ ग्लैंड्स हैं, कुछ जो कुछ सेक्रेशन होती है, कुछ स्राव होता है, जो हमारी मानसिक शक्ति और याद रखने की ताकत को बढ़ाती है। पंजाब में एक संत हुए जिनका बचपन में नाम था खुशहाल चंद। उन्होंने अपने जीवन की यह घटना स्वयं ही सुनाई है और बहुत जगह उपलब्ध भी है। उन्होंने सुना है कि मैं छोटा था, मेरा नाम था खुशहाल चंद, मैं मंद बुद्धि बालक था, विद्यालय में जाता था। ये उनके अपने शब्द हैं, अंग्रेजों के जमाने की बात है। नियमित प्रतिदिन डेली मुझे ये सुनने को मिलता था स्टैंड अप ऑन द बेंच। मुझे बेंच पे खड़ा कर दिया जाता था, रोज पिटाई होती थी, घर वालों ने स्कूल छुड़वा दिया। भैंस गाय चराने की ड्यूटी लगाई, वहां भी पशु दूसरे के खेतों में चले जाते थे और मुझे मार पड़ती थी, वो भी छुड़वा दिया गया। एक दिन मैं एक संत के पास भोजन पहुंचाने गया था, ये ड्यूटी मेरी लगाई गई थी। एक स्वामी जी आर्य समाज के पहुंचे हुए थे और मैं निराश हताश वहां बैठा था। स्वामी जी ने पूछा, बालक क्या दिक्कत है बताओ? मैंने कहा, आप बाबा लोग क्या उपाय बताएंगे? अगर आपको जानना ही है तो मैं बुद्धू हूँ, मुझे कुछ याद नहीं रहता, मेरे दिमाग की ताकत एकदम नहीं है, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। मुस्कुराए और उन्होंने एक मंत्र दिया और वो मंत्र था गायत्री मंत्र। मैंने उस मंत्र का जप किया। यो तो नियम है कि रात्रि में गायत्री मंत्र जपना नहीं चाहिए, फिर भी घर वालों के डर से मैं रात्रि में जपता था, सारी रात जपता था, और नींद ना आ जाए इसलिए अपनी चोटी को ऊपर बांध लेता था। धीरे धीरे 2-3 महीने में माहौल बदल गया, उस गायत्री मंत्र के ऊर्जा के प्रभाव से लोगों का चिंतन बदल गया, मेरी स्मरण शक्ति बढ़ने लगी, मेरे याद रखने की क्षमता और समझने की क्षमता में वृद्धि होने लगी, और मेरा नामांकन पुनः विद्यालय में करा दिया गया और मैं फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ। शिक्षक पूछने लगे कि तुमने किसकी नकल की है, तो मैंने यही कहा कि महाशय मैंने किसी की नकल नहीं की, मैंने गायत्री मंत्र का जप किया है। वही विद्यार्थी आगे चलकर आर्य समाज के महान संत महात्मा आनंद स्वामी सरस्वती के नाम से विख्यात हुए। हजारों किताबें उनकी आज मार्केट में उपलब्ध है, गायत्री मंत्र के ऊपर, जीवन जीने के ऊपर, भारतीय संस्कृति और वेदों के ऊपर। यहाँ केवल इतना ही कहने का विचार है कि ऊर्जा को बढ़ाकर, अपनी शक्ति को जागृत करके, मन एकाग्र करें, किसी में रुचि हो, लगाव हो, तो स्मरण शक्ति बढ़ी रहती है, ठीक है, लेकिन मन को एकाग्र करें कैसे, ऊर्जा को नियंत्रित करें कैसे, और ईश्वरीय शक्तियों के साथ हम जुड़े कैसे। आज विज्ञान ने भी प्रमाणित कर दिया कि आर्यों की मानसिक शक्ति क्यों बढ़ती थी, क्योंकि वो गायत्री मंत्र जपते थे। दिल्ली एम्स और IIT हैदराबाद ने मिलकर एक रिसर्च किया था, आपने पहले भी देखा होगा, जी न्यूज में भी ये समाचार आया था कि अगर 5 मिनट भी गायत्री मंत्र का जप करें तो आपके दिमाग की ताकत अनंत गुना बढ़ जाती है। गावा नाम का एक केमिकल बाहरी दिमाग, जो सोचने की क्षमता रखने वाला दिमाग है, उससे निकलता है और उससे हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है, दिमाग की ताकत बढ़ती है, सोच में एकाग्रता आती है और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, विज्ञान ने प्रमाणित कर दिया। यह संकेत किया जा रहा है
कि निश्चित रूप से जो आपका लक्ष्य है उसमें रुचि रखिए, मन को उधर लगाइए, समय पे सब काम करिए और ईश्वरीय शक्ति, दैवी शक्ति और अदृश्य चमत्कारों से जुड़ने के लिए, अपनी अनंत शक्तियों को बढ़ाने के लिए नियमित गायत्री मंत्र का जप करें। विद्यार्थियों के लिए ये सबसे बड़ा ब्रेन टॉनिक है। विद्यार्थियों की दिमागी क्षमता, यहाँ तक कि जो समस्या आज है बुजुर्गों और या 40 से ऊपर वालों की स्मृति कमजोर होने लगती है तो कहते B12 की कमी है। हमारा ये मानना है कि निश्चित आप उसके लिए औषधि और दवाई B12 लें, लेकिन नियमित गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो आपकी दिमागी ताकत, आपकी शारीरिक ताकत, आपकी मानसिक ताकत और आपकी स्मरण शक्ति अनंत गुना बढ़ जाएगी। आज के वीडियो में इतना ही। ओम शांति।